नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र है जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके के अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। पहली सूचना है यूपी टीईटी की, लेकर टीईटी फरवरी में एनआईसी की हरी झंडी के बाद कार्यक्रम जारी होगा। प्रदेश में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी फरवरी में होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने एनआईसी को टीईटी के ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को फरवरी मार्च में टीईटी कराने की मंजूरी दे दी है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एनआईसी की ओर से उनका सॉफ्टवेयर तैयार करने के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। एनआईसी को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। एनआईसी के एजेंडे के बाद टीईटी में आवेदन पत्र जमा करने और परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। चर्चाएं ये हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टीईटी का आवेदन है वो 25 दिसंबर के बाद से मांगे जा सकते हैं। अगली सूचना है सरकार की गैर जिम्मेदारी की और छात्रों के साथ में हो रहे जुल्म की। जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि सरकार, सभी सरकारें जो होती हैं वो लापरवाही करती हैं, छात्रों के हितों का ध्यान नहीं रखती हैं, भर्तियाँ कोर्ट में फंस जाती हैं और कुछ भर्तियाँ जो है वो नियमावली इत्यादि की वजह से रुक जाती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन के इंतजार में गुजर गए वर्षों ओवर एज हुए अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा 2013 में हुई थी। विद्यार्थी लिखित परीक्षा में पास हो चुके हैं और उनका जो स्किल टेस्ट है वो अभी तक नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेरोजगार युवाओं का दर्द समझने के लिए प्रतियोगी छात्रों की मनोदशा समझनी होगी जो ओवर एज हो चुके हैं या ओवर एज होने के आखिरी पड़ाव पर हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की निर्धारित उम्र सीमा पूरा कर चुके छात्र अब किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और उनके सामने भविष्य को लेकर के एक ऐसा अंधेरा है जिसके छटने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। वहीं कुछ ओवर एज प्रतियोगी छात्र ऐसे भी हैं जो 176 पदों के लिए हुई अपर निजी सचिव यानी APS भर्ती परीक्षा 2013 की लिखित परीक्षा में चयनित हो चुके हैं, लेकिन ये भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। तो इस तरीके केवल एक भर्ती नहीं है, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, किसी भी राज्य की भर्ती हो, कोई भी सरकारें रही हो, सभी सरकारों में और सभी राज्यों में ऐसा छात्रों के साथ में होता रहा है। बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में लंबित हो जाती हैं, भर्तियों की परीक्षाएं नहीं होती हैं, परीक्षाएं हो जाती हैं तो उनके परिणाम नहीं आते, परिणाम आ जाते हैं तो उनकी नियुक्तियां नहीं होती हैं। कल इसी बात को लेकर के ABP न्यूज़ ने भी घंटी बजाओ जो कार्यक्रम आता है 10 बजे उसमें इस बात को प्रमुखता से उठाया था और यह मांग की गई थी कि तय समय में भर्ती का कानून बनाने के लिए घंटी बजाओ। यानी जो भी भर्ती निकाली जाती है विज्ञापन में या नोटिफिकेशन में, उसमें एक हमेशा निश्चित समय देना चाहिए कि 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा और नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की एक भर्ती हुई थी और लगभग 2018 में 5-6 लाख लोगों ने आवेदन किया था और आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। और सोशल मीडिया पर स्टेटस डालेंगे माय सन हैज क्लियर्ड या माय डॉटर हैज क्रैक्ड दिस गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन फिर उसी नौकरी का नियुक्ति पत्र पाने में 2 साल बीत जाए, भर्ती प्रक्रिया लटक जाए, आप अपमान महसूस करने लगेंगे, रिश्तेदार पीठ पीछे हंसने लगेंगे, पास पड़ोस वाले ताने कसने लगेंगे, आपका बेटा बेटी लाखों रुपए की पढ़ाई करके सरकारी नौकरी का सपना लटक जाने के बाद हताश होने लगेंगे, डिप्रेशन में जाने लगेंगे। इसी दर्द से गुजर रहे हैं मध्य प्रदेश के 20,000 से ज्यादा नौजवान और देश के पढ़े लिखे लाखों चयनित बच्चे। इसीलिए आज की रिपोर्ट आप देखिए और सरकारों को जगाइए, घंटी बजाइए। लिखा पढ़ा है और ऐसे लिखे पढ़े में मतलब
इसका खर्चा करना और परिवार चलाना, ये बहुत दिक्कत जा रही बच्चों को, तो बहुत परेशान हो रहे हो, तो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी ने, मेरा निवेदन है कि सुन ले, और ये बच्चे ऐसे लिखे पड़े हैं ना, तो इनकी कार्रवाई करके इनको दे बेचारों को, इनको नौकरी। जिन बच्चों की बात मध्य प्रदेश की केसर बाई कर रही है, इनका बेटा विजय बावस्कर उनमें से एक है। एमए अंग्रेजी में पास, बीएड की डिग्री लेकर भी आलू छील रहा, क्योंकि शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास करके भी टीचर बनने के सपने को सिस्टम के इमाम दस्ते में सरकारी नीतियों का मूसल कूट दे रहा है। बहुत परेशानी जाती है, बहुत पूरा घर बार मतलब दुख रहे हैं, और हमने भी आशा की थी कि लिखे पड़े बच्चे हमारे तो हो जाएंगे, बच्चों बहुत भारी जा रहा है, बहुत ही दिक्कत आ रही है, तो इसके शिक्षा लेने के लिए खड़े होने चाहिए। उस बेटे के सामने ग्राहक प्लेट लिए पानी पूरी खाने को खड़े, जिस बेटे को अभी मध्य प्रदेश के स्कूल में IBU दे का इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाना था, वो विजय 10 के 5 बताशे खिलाकर घर चलाने के लिए मजबूर है। स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस पढ़ाता था और स्कूल्स में भी मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। चूंकि मार्च 2020 जो कोरोना आया, जब से कोरोना भारत में आया तब से भारत में लॉकडाउन लगा, मार्च से लॉकडाउन लगा, उसके बाद 6 महीने तक लॉकडाउन चला, लॉकडाउन के बाद अनलॉक स्टार्ट हुआ, लेकिन हम शिक्षकों का कोई अनलॉक नहीं हुआ, हम शिक्षक वैसे के वैसे उसी जगह पर है। तो आखिर क्या हुआ ऐसा जिसने पढ़े लिखे नौजवान की जिंदगी MA हिंदी में और फिर BEd पास राकेश डाबरा मजदूरी करने को मजबूर दिखे। 2 साल पुरानी शिक्षक भर्ती परीक्षा निकालने के बाद जिन राकेश के कंधे पर मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य को उठाने का जिम्मा होना था, वो बालू मोरंग हो रहे हैं। मेरे को सर 2 साल से रास्ता देख रहा हूँ सर जी, आदेश नहीं है सर। ऐसा नहीं होता था कि नौकरी की परीक्षा पास करने के बाद लोगों को नौकरी पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा हो, मगर पिछले कुछ सालों में ये परंपरा सी बन गई है। कभी कोर्ट में लगी रिट की आड़ में, तो कभी सरकारी खर्च कम करने को लेकर नौकरी पाने के लिए लोगों को 3 से लेकर 5 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से चयनित शिक्षक भी इसी गंदी परंपरा का शिकार होकर रह गए हैं। 20,000 से ज्यादा शिक्षक पद के लिए चुने गए नौजवान धरना दे चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, रिजल्ट की कॉपी जला चुके हैं, इच्छा मृत्यु मांग चुके हैं। तो बहुत बहुत प्रशंसनीय है ABP न्यूज की जो ये मुहिम है, और उन्होंने इस बात को उठाया कि भर्तियों में क्या होता है, सरकारें क्या करती हैं, उसके बाद में विद्यार्थियों का क्या होता है, इस मुहिम को और इस बात को ABP न्यूज ने उठाया। लेकिन इसमें छात्रों को भी सहयोग करना चाहिए, ऐसे न्यूज चैनलों का जो न्यूज चैनल छात्रों की बात को उठाते हैं। इस तरह की सूचनाओं को विद्यार्थियों को देखना चाहिए और शेयर इत्यादि भी करना चाहिए। अगली सूचना है कोरोना वैक्सीन की। लिखा है भारत में जनवरी से हो सकता है कोरोना टीके का इस्तेमाल। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत टीके की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस महीने के अंत या जनवरी के शुरू में टीका मिलने की उम्मीद है। और उन्होंने बताया कि आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देते ही लोगों को टीका मिलने लगेगा, अब तक के नतीजों के मुताबिक टीका सुरक्षित। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। आने वाली UPSESC अब नए सिलेबस पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, और लिखा है कि रिवाइज किया जा रहा है पुराना सिलेबस, 47 विषयों में 2016 पदों पर भर्ती के लिए जारी होना है विज्ञापन। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा नए सिलेबस के आधार पर आयोजित की जाएगी और इसके लिए UPSESC में सिलेबस रिवाइज किए जाने पर काम चल रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से UPSESC को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर के पेच फंसा हुआ है, जैसे मामला निस्तारित हो जाता है वैसे ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर जो पुरानी भर्ती हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका जो परिणाम आया था शिक्षा शास्त्र, उसके जो विद्यार्थी है वो उन्होंने कल प्रदर्शन किया था नियुक्ति पत्र के लिए और उनकी जो नियुक्ति है वो रोक दी गई थी। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराने और नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर के बृहस्पतिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया।
अगली सूचना है, संस्कृत विद्यालयों में कब भर्ती करेगा चयन बोर्ड। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना है। एडेड कॉलेजों की भर्ती में उलझा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो यानी कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती होने वाली है उसी में लटका हुआ है और आगे की कोई भी भर्तियों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर लिखा है, प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इन विद्यालयों में भर्ती की जिम्मेदारी चयन बोर्ड को सौंपी थी। बाद में सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराने का निर्णय लिया, लेकिन ना तो अब तक आयोग अस्तित्व में आ सका और ना ही चयन बोर्ड इन भर्तियों को शुरू कर सका है। चयन बोर्ड सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी को लेकर के ही उलझा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे ऐसे संस्कृत विद्यालय हैं जो अध्यापकों की कमी से बंद हो चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बहुत ही कम अध्यापक हैं। तो आखिरकार इसके बारे में विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं पता है, ना विद्यालयों को पता है, ना ही छात्रों को पता है कि आखिरकार उनके विद्यालयों में अध्यापक कब आएंगे। लिखा है, कई तो ऐसे विद्यालय हैं जहां पर केवल एक क्लर्क के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं, जहां पर या तो केवल एक चपरासी के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती की भी कुछ सूचना है, और ये जो सूचना है वो है, आवेदन में संशोधन को लेकर के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। कल उनको जो है अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और ये प्रदर्शन उन्होंने बंद कर दिया है। लिखा, सचिव के आश्वासन पर अभ्यर्थी माने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की गलती को संशोधित करने का मौका दिए जाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने गुरुवार को समाप्त कर दिया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से वार्ता एवं उनके आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि सचिव ने आश्वस्त किया है कि आवेदन में गलती करने वाले परेशान न हो, उनके संबंध में शासन स्तर से जल्दी ही कोई आदेश आएगा और इन विद्यार्थियों को जो है वो मौका दिया जा सकता है, और इस आश्वासन पर ये प्रदर्शन कल समाप्त हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।